प्रदेश बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संतुलित भोजन। हमें अपने जीवन में संतुलित भोजन लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। उसी के विषय में पढ़ेंगे। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम पदार्थ। वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध है। हमें सही चीजों का पहचान होनी चाहिए, तभी हम संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का पहला उद्देश्य है, जो आप पहले यह देखें कि भोजन करने का उद्देश्य क्या है। हम दैनिक कार्यों को श्रम पूर्वक करते हैं, इससे हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में क्षय होता रहता है। संतुलित भोजन इस दैनिक क्षय को पूरा करता है, यह उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है, भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। तीसरा उद्देश्य है, भोजन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को निर्मित करता है एवं शरीर को स्वस्थ करता है। जैसे प्रोटीन, इसका मूल स्रोत वनस्पतियां हैं। हमें दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, इनमें हमें इससे हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जिन बच्चों को खनिज पदार्थ प्राप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य रूप है, स्टार्च और शक्कर। वसा या चर्बी, शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत वसा या चर्बी है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। खनिज लवण, हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन, लोहा आदि लवणों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। विटामिन, शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिन का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ध्यान रखो, हमारा पेट इन्हीं चीजों की भाषा समझते हैं, जबकि हमारी जीव भिन्न भिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन चाहती है। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हमारा जीवन हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। सदैव स्मरण रखें कि हमारे भोजन में स्वाद तो होना चाहिए, पर स्वाद के लिए भोजन नहीं होना चाहिए। जल भी संतुलित भोजन का एक अंग है। दिन में 8-10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है। संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक बात और समझनी चाहिए, हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। वे संतुलित भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते। वे कोशिश करें तो सस्ती चीजों से भी भोजन के आवश्यक तत्वों का प्राप्त कर सकते हैं। वे हरी सब्जियां तथा पपीता, सेब, केले आदि फल खा सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं साफ सुथरा हो तथा उन्हें ठीक प्रकार से पकाया गया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अति आवश्यक है।